जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठे शीर्ष पहलवानों के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आंदोलन की भूमिका अपना रही है। आज आम आदमी पार्टी ने नागपुर के वैरायटी चौक पर आंदोलन किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ शीर्ष पहलवानों द्वारा किया जा रहा धरना आंदोलन आज अपने 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ माहिन पठान और आज हम मौजूद हैं नागपुर शहर के वैरायटी चौक में, जहाँ जंतर मंतर पर बैठे पहलवान जो धरना आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी आज रास्ते पर उतर आई है और उन्होंने आंदोलन का रुख अपनाया है। पिछले 16 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के सैकड़ों पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस मामले में संबंधितों द्वारा अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी नागपुर की ओर से भी पहलवानों का समर्थन जताया गया। आम आदमी पार्टी ने आज नागपुर के वैरायटी चौक में बृजभूषण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले के जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तो जिस तरीके से मैम जंतर मंतर पर पिछले 16 दिन से पहलवान, महिला पहलवान जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको समर्थन देते हुए आपने भी आज नागपुर शहर में आंदोलन की भूमिका अपनाई, तो क्या बताना चाहेंगे मैम इस बारे में? देखिए, जो सरकार बोलती है कि बेटियों का सम्मान, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी साक्षी बिटिया, विनेश बिटिया ये करके संबोधन किया, उनको अपने ऑफिस में बुला के बहुत प्यार से कि तुम लोगों ने भारत का तिरंगे का सम्मान ऊंचा किया है, लेकिन बहुत दुख की बात है आज वो सरकार उन बिटियों के लिए, उन बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। आज वो कर्नाटका में जाके केरला फाइल्स के बारे में बात कर सकते हैं मोदी जी, लेकिन उन बेटियों के बारे में बात नहीं कर सकते जिनके साथ अपमान हुआ है, उनका अपमान किया गया, उन लड़कियों बेटियों का, उनके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर यही काम किसी और ने किया होता, जो बीजेपी सरकार में नहीं होता, जो विपक्षी दल में होता, उस आदमी का आज बेहाल कर देते, उसको कर्नाटका में, जो कर्नाटका के मंच से बोलते कि आज हमारी वजह से ये लड़कियां ऊपर हैं, इतना मेडल्स जीत के ला रही हैं, और हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। आज उनकी हिम्मत है, वो बृजभूषण के बारे में कुछ बोल पाए नहीं। प्रधानमंत्री जी, मोदी, नड्डा, कोई बृजभूषण के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। आम आदमी पार्टी की क्या मांग है? आम आदमी पार्टी की यही मांग है, जब FIR हुई है तो उसको अरेस्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी बृजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी की जो है तीखी भूमिका उन्होंने अपनाई है और नागपुर के वैरायटी चौक पर आज आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, नारेबाजी के साथ में जो है वो विरोध प्रदर्शन इस समय बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शित कर रहे हैं। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।